हम सभी अपने जीवन में अबोध और मूर्ख बने ही रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया हमें मूर्ख ही तो बनाती है। अरे मुझे अच्छी बीवी मिल गई, मुझे अच्छा परिवार मिल गया, मुझे पैसा कौड़ी मिल गया। जो लोग तुमसे जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ तुमसे पाने के लिए, कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आज की दुनिया इतनी मतलबी है, तुम उस मतलब को समझ ना पाओगे। उनको तुमसे पाना है, जब तक वो तुमसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई दुधारू गाय है, लोग उसे तभी तक दूहते हैं या अच्छा खान पान देते हैं जब तक वो दूध देती है। उसी तरीके से सभी लोग तुम्हें दूह रहे हैं, जब तक तुम दूध दे रहे हो, जब तक तुम्हारा दूध निकल रहा है, तब तक लोग तुम्हें अपने सराखों में बिठा के रखेंगे। तो इस बात को जानो और समझो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ये संसार बना ही ऐसे है और इस संसार की प्रवृत्ति ही ऐसी है, क्योंकि कभी वो विचारधारा आ ही नहीं पाई जिसमें समर्पण का भाव हो। और जिसमें समर्पण का भाव न हो, जहाँ पे समर्पण का भाव न हो, वहाँ पे केवल और केवल एक्सट्रैक्शन ही होता है। तू ले तू दे, बस यही चलता है, जीवन भर यही चलता है। और जब तक इंसान जान पाता है इस लेन देन की प्रक्रिया को, जब तक उसकी आँख खुलती है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तुम जिस संसार में जी रहे हो वो केवल स्वप्न का संसार है। तुम जो देख रहे हो वो केवल और केवल माया रूपी संसार है। तुम जो ग्रहण करना चाहते हो वो केवल और केवल तुम्हारी वासना और हवस है। और इस हवस वासना एक्सट्रैक्शन से तभी निकल पाओगे जब अपने हृदय को शांत करोगे और उसे विराट बनाओगे। सहने की क्षमता, कुछ करने की ललक ही तुम्हें इससे उबार पाएगी।